अभी हम आपके लिए एक और इस सर्वसुलभ होते हुए भी बिल्कुल अपरिचित सी एक जो औषधि है आयुर्वेद में, इसका बहुत ज़्यादा वर्णन या प्रयोग नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको नागदौन बोलते हैं, जो मेरे हाथ में है और आप देख रहे हैं पीछे भी काफ़ी मेरे पास में ये है। नागदमनी, नागदौना के नाम से दूसरे पौधों का आयुर्वेद में वर्णन है। इस पौधे का पुस्तकों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में उतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, परंतु यह एक अत्यंत औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं इस नागदौन के इस जड़ी को, इस पौधे को। आप बड़ा ध्यान से देखिए, इसको आपने ज़रूर कहीं देखा होगा। ये बेचारा रक्षा करता है, एक सिपाही की तरह से, एक सैनिक की तरह से आपकी खेत की रक्षा करता है, बाड़ में खड़ा होकर के। घर में बहुत सुंदर, यदि आपने लोन बनाया है या आपके पास छोटा सा गार्डन है, तब भी यह बेचारा कहीं उस गार्डन के किनारे पर खड़ा होकर के आपकी जो बगीची है, आपका जो गार्डन है, उसकी यह शोभा बढ़ा रहा होता है। और जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो एक दो गमले में भी इसको लगा देते हैं, तो ये हरा भरा बारो महीना वो आपकी घर की सुंदरता को बढ़ा करके रखता है। तो घर में आप इसको बड़ी सुगमता से लगा सकते हैं। यदि इसको आप सिर्फ इसके टहनी को तोड़ करके यदि आप लगा भी देंगे, तब भी ये लग जाता है। किसी भी ऋतु में, किसी भी जगह पर ये आराम से लग जाने वाला पौधा है। स्थानीय नाम में हम लोग इसको नागदौन बोलते हैं, इसीलिए कृपया आप इसको बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन, माताएं बहनें मुझे यही कहती हैं कि जड़ी बूटियों को आप थोड़ा सा हम ध्यान से देख पाएँ। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो पौधा बहुत गहरा हरे रंग के इसके पत्ते हैं, इसकी टहनी बड़ी कोमल है और इसको तोड़ने के बाद में इसमें से निकलता है दूध, इसको बोलते हैं नागदौन। तो नागदौन के जो हमने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों से आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जब हम आज चिकित्सा कार्य करते हैं तो बहुत तरह के रोगी हमारे पास आते हैं। उन रोगियों में कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो बहुत सारे रोगों से पहले पीड़ित थे, कहीं से कोई औषधि उनको मिल गई, उसका उन्होंने सेवन किया और वो ठीक हो गए। हमारे चिकित्सालय में ये कुछ वर्ष पूर्व की घटना है। उन्हीं में से ही तो आकर के कहने लगे कि हमारे घर में बहुत भयानक बवासीर की शिकायत थी, और एक संत आए, उन्होंने एक जड़ी जो आसपास में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हर रोज़ 3 पत्ते सुबह, 1-2 काली मिर्च मिला करके उसको चबा करके खाना, ऊपर से पानी पीना, 3 पत्ते और 2 या 3 काली मिर्च। तो उन्होंने कहा, हमने कुछ दिन लगातार सेवन किया, उन्होंने 3 दिन के लिए कहा था, 4-5 दिन में ही हम पूरी तरह से ठीक हो गए। जब मेरे को ये जानकारी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि वो जड़ी क्या है। उन्होंने कहा, अच्छा ये होती तो सब जगह है, ज़रा मैं देख लूँ। आश्रम के आसपास उन्होंने देखा पर वो उनको नहीं मिली, हरिद्वार के पास के ही रहने वाले थे। मैंने कहा आप कुछ दिन बाद उस जड़ी को लेकर के आए। तो मैं प्रतीक्षा करता रहा, वो 4-5 दिन के बाद नागदौन को लेकर के आए। मैंने कहा यह तो सर्वत्र खेतों में, बाड़ों में, खेती की रक्षा के लिए, घर में, कहीं पर भी लोन में इसको लगाते हैं लोग। मैंने कहा यह तो सब जगह होता है। बोले जी ये सब जगह होता तो है, पर हमें उन्होंने बताया था। ये सबसे पहला हमारी जानकारी थी नागदौन के संदर्भ में, ये वर्षों पुरानी बात है। तो
फिर हमने इसका कुछ प्रयोग जो अपने नज़दीक, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पॉइजन वाला पौधा मानता था उससे पहले, क्योंकि मुझे ये कुछ विचित्र सा कैक्टस की सी प्रजाति लगती थी। फिर हम संतुष्ट हुए कि यह प्रयोग करके निश्चित रूप से लाभ होता है। फिर हमने बताना शुरू किया लोगों को और बहुत सारे रोगी आए। तो जैसे बड़ा पत्ता होता है तो हम मात्र एक पत्ते के सेवन के लिए बोलते हैं, जब छोटा पत्ता होता है तो थोड़े बीज के हों तो दो पत्ते का सेवन कर सकते हैं, और बिल्कुल छोटे पत्ते हो तो तीन पत्ते का सेवन कर सकते हैं। तो जिनको बवासीर की शिकायत है उनके लिए तो ये बहुत ही लाभकारी गुणकारी पत्ता है। तो एक पत्ती से तीन पत्तियों तक इसकी डोज हमने निर्धारित की। आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा पत्ता है, तो एक ही पत्ता पर्याप्त है। काली मिर्च के दाने और इस पत्ते को पीस करके सुबह बिल्कुल खाली पेट। तो कितनी भी भयानक ब्लीडिंग होती हो, पाइल्स की वजह से आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप कर सकते हैं तो इस पत्ते को आप चबा करके भी खा सकते हैं। और चबा करके खाने में आपको परेशानी है, पीस करके एक चम्मच में आप मुंह में ले करके एक दो काली मिर्च इसमें मिला दें और आप ऊपर से एक गिलास पानी पी जाएं। आप देखिए आपकी जो ब्लीडिंग है वो तुरंत इसको लेते ही ये रुक जाती है। तो मैंने देखा यह बहुत चमत्कारिक है, रक्त को रोकने के लिए, आपकी पाइल्स के लिए, अर्श के लिए। तो एक दो काली मिर्च के दाने और इस पत्ते को पीस करके सुबह बिल्कुल खाली पेट। हमने फिर सैकड़ों लोगों तक इस मिशन को, इसके प्रयोगों को करके हमने देखा और बाद में हमने उनके रिजल्ट्स और रिपोर्ट भी लिया। तो ये बहुत ही लाभकारी गुणकारी पत्ता है, आपके बवासीर के रोग में रक्त को रोकने के लिए, आपकी पाइल्स के लिए, अर्श के लिए। हम लोग उसके लिए अर्शकल्प वटी बनाते हैं, तो हमने फिर उस अर्शकल्प वटी में भी इस पत्ते को डालना हमने प्रारंभ कर दिया। आज हमारी जो अर्शकल्प वटी है उसमें नागदोन का पत्तों का सोरस डाला जाता है, वह भी अत्यंत गुणकारी है बवासीर के लिए। परंतु ये इतना सुगमता से होने वाला पौधा है, आपके घर में, घर के आसपास में हो जाता है, इसीलिए इसको आप ज़रूर लगाइए। लगा करके आप इसके द्वारा अपनी बवासीर की, ब्लीडिंग की बीमारी दूर कर सकते हैं। हमने सोचा कि यह रक्त स्राव को रोकने वाली वस्तु है, तो निश्चित रूप से हमारी माताओं बहनों को जब ओवर ब्लीडिंग होती है, मासिक धर्म में अति रक्त स्राव होता है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो हमने उन माताओं को, उन बहनों को भी इसका प्रयोग कराना प्रारंभ किया जिनको ज़्यादा रक्तस्राव होता था। हमने देखा कि इससे रक्तस्राव में एकदम लाभ होता है, यह अत्यंत प्रभावशाली है। तो जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय में अति रक्तस्राव होता है, वो माताएं बहनें भी इसका सेवन कर सकती हैं। पीरियड के समय हालांकि थोड़ा सा ठंडा होता है, तो एक दो काली मिर्च आप इसमें मिला दें। जिनको रक्तस्राव ज़्यादा होता हो, उन माताओं के लिए, उन हमारी बहनों के लिए यह एक अत्यंत गुणकारी और लाभकारी पौधा है, ये नागदोन। नागदोन इसका नाम स्थानीय नाम है, इसका कोई शास्त्रीय नाम मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया है, परंतु इसके बहुत सारे प्रयोगों से हम लाभान्वित हो चुके हैं, इसीलिए आज इसके प्रयोग को लेकर के हम आपको दे रहे हैं बहुत सारी ये जानकारियाँ। हमने देखा कि इसके अंदर वो क्षमता है, इस पत्ते को थोड़ा गर्म करके यदि आप बांध देते हैं जहाँ सूजन है या जहाँ फोड़ा है, उस स्थिति में इससे वो फोड़ा बैठ जाता है और सूजन में इससे तुरंत आपको राहत मिल जाता है, दर्द में राहत मिलेगा इससे। तो जिनको दर्द है, जिनको सूजन है, वहाँ पर इस पत्ती को आप थोड़ा गर्म करके या कोई दर्द वाला तेल मिला करके आप बांध सकते हैं, उससे आपको पूरा मिलेगा लाभ। और जिसको कब्ज की शिकायत है, इसके दो तीन पत्ते के सेवन से कब्ज में भी लाभ होता है। और हमने देखा कि इसके अंदर रक्त को रोकने की क्षमता है, तो जो अल्सर के रोगी हैं, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन रोगियों को भी हमने इन दो तीन पत्तियों का थोड़ा पानी मिला करके इसको घोट करके रस निकलवाया, और रस निकाल करके
हमने उनको कहा कि प्रातःकाल नित्य प्रति सेवन करना है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनको भयानक एमेबाइसिस है और उनमें भी आंतों की इन्फेक्शन की वजह से यदि ब्लीडिंग होती हो, तो जैसे कि मैंने बताया था, एक हमारी दुधी का दुधी जो घास होती है, उस दुधी घास के साथ में 2-3 पत्तियाँ इसको घोट करके पिला दें, उससे दस्त भी तुरंत रुक जाते हैं और ब्लड भी आना बंद हो जाता है। दुधी घास और एक नागदोन की ये पत्ती आपको राहत दे सकते हैं आपकी जो भयानक पीड़ा है, जो भयानक आपकी परेशानी है। ये वास्तव में बहुत ही रक्त को रोकने में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और यदि आपको किसी भी तरह से पेट में यदि अफारा है, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको अल्सर की वजह से यदि पेट में दर्द रहता है, तो ये दो पत्ते नागदोन का और उसमें आप 1-2 दाने काली मिर्च का उसको पीस करके यदि आप ले लेते हैं, ऊपर से शीतल जल ठंडा पानी पी ले, तो तुरंत इससे हो जाता है लाभ। तो आपका चाहे वो अल्सर की वजह से किसी भी तरह से आपके शरीर के अंदर जो रक्तस्राव हो रहा है, उस रक्तस्राव को रोकने के लिए कई बार ऐसा भी होता है, उनको अंदर की जो रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल होती हैं और पायल्स वगैरह भी नहीं होता है, फिर भी ब्लीडिंग हो रही होती है। मैंने देखा है कई सारे ऐसे रोगी आते हैं, उन स्थितियों में यदि प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पा रहा है और बहुत समय से आप परेशान हैं, तो तब भी आप नागदोन के 2-3 पत्तों के सेवन से प्रातःकाल खाली पेट पानी के साथ लेने से उस बीमारी को आप कर सकते हैं, रक्तस्राव की जो परेशानी है उसको आप कर सकते हैं समाप्त। जैसा कि मैंने कहा कि यह आपके सूजन के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, इसमें कोई दर्द वाला तेल भी लगा करके उस दर्द वाली जगह पर, उस सूजन वाली जगह पर आप बांधिए, तो उससे आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। इसका एक और प्रयोग हमने देखा, जिनको मूत्रकृच्छ की परेशानी है, कम पेशाब होने की समस्या है, या रुक रुक के पेशाब होता हो, या पेशाब के साथ आपको जलन या आपको दर्द या पीड़ा होती हो, तो उसको दूर करने के लिए भी मैंने देखा कि यह अत्यंत लाभकारी है कि 2 पत्तियों को पीस करके यदि आप पूरा 1 गिलास में शरबत जैसा बना लें, और यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप उसमें मिला लें मीठा मिला करके, यदि आप उसको सुबह खाली पेट पीते हैं, तो उससे जो पेशाब है वो खुल के होने लगता है। यह अत्यंत लाभकारी है, ये हमारा अपना प्रयोग है, अपना अनुभव है, और बहुत सारे जो प्रयोग हैं, बहुत सारे जो अनुभव हैं, हमने बहुत सारे रोगों पर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करने के बाद में हमने इन सारे लाभों को पाया है, तो हमने आपको इन सब लाभों से अवगत कराया है। तो निर्भयता के साथ, निश्चिंतता के साथ, निरापदता के साथ इन औषधियों का आप प्रयोग करिए। निश्चित रूप से जब भी बीमारी शुरू होती है, हम जानते हैं कि रोग प्रारंभ में छोटी सी बीमारी से शुरू हो जाती है। मैंने देखा है कि जिनको पाइल्स की शिकायत है, ब्लीडिंग होती है, बाद में कि कभी कभी वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी बन जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर बढ़ जाने से ऑपरेशन करना पड़ जाता है, भयानक इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब भी ठीक नहीं हो पाते। इसके लिए ये नागदोन जैसी निरापद और सर्वसुलभ जो औषधियाँ हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं। इनका सेवन करके और स्वयं निरोग रह करके अपने जो आपके पास पड़ोस में हैं, हमारा मिशन, जैसे कि मैंने कहा कि पाइल्स के लिए ज़रूर हम अर्शकल्पवटी जैसी औषधियां बनाते हैं, कारगर है। कई बार वो औषधियां भी सर्वत्र नहीं मिल पाती हैं, जब एक अल औषधि के द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो बनी हुई औषधियों की हम सेवन के लिए भी आपको प्रेरित नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस जड़ी के द्वारा ही आप, इन औषधियों के द्वारा ही आप ठीक हो जाएं। तो आइए, तो इस नागदोन के सेवन से, इस नागदोन स्थानीय नाम है, इसकी पहचान आप इसके स्वरूप से कर लें, क्योंकि यह सब जगह सर्वत्र उपलब्ध है, पर इसका जो नाम है वो थोड़ा सा आपको इस पौधे को देख करके ही आपको जानना होगा, क्योंकि हमारे पास जितना ज्ञान है, बिल्कुल सरलता से, सहजता से मैं यह प्रयत्न करूँगा कि जो सरल प्रयोग हैं, जो प्रामाणिक प्रयोग हैं,
जो अनुभूत प्रयोग हैं, जिनको वर्षों के परंपरा से, तपस्या से, पीढ़ी दर पीढ़ी से, हमारे ऋषियों के अनुसंधान से हमारी जानकारी में है, उस जानकारी को हम पहुंचाएं आप तक। तो आज हमने इस नागदौन के संदर्भ में आपको बताया। तो अब आप, मैं समझता हूं कि अर्श की, पायल्स की, बवासीर की परेशानी से आज नागदौन को आपने पहचान लिया। इसकी ब्लीडिंग की परेशानी से आप पीड़ित अब नहीं रहेंगे, और जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग है वह भी आप अब उसकी भी होगी परिसमाप्ति। तो आइए आप इस औषधीय पौधे का प्रयोग कीजिए, और प्रयोग करके निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप अपने आसपास में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस में इसकी चर्चा करेंगे। आप अवश्य कर रहे हैं, वह जानकारियाँ हमारे पास तक हैं। आप जितनी अभिरुचि के साथ इसका प्रयोग करेंगे, हमें होगी संतुष्टि, देश होगा रोग मुक्त, और हम बना सकेंगे अपने देश को समृद्ध और स्वस्थ। निश्चित रूप से आपका आरोग्य आपके हाथों में है, आपका आरोग्य आपके आसपास उपलब्ध इन जड़ी बूटियों में है। आइए इसको आप घर में भी लगाइए, गमले में भी लगाइए, और ये यदि पौधा आपके पास पहले से है तो इसका प्रयोग आप शुरू कर दीजिए कल तक के लिए। फिर कल मैं और एक जानकारी लेकर के आऊँगा आपके बीच।